नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पे आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ओवेरियन सिस्ट एक ऐसी समस्या है जो कि आजकल 10 में से 7 महिलाओं को है। ये सिस्ट पानी की भी हो सकती हैं, ये सिस्ट ब्लड की भी हो सकती हैं जिसे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं, या फिर ये किसी और तरीके की भी हो सकती हैं। लेकिन जो सिस्ट हैं उनका बेसिक कारण जो रहता है वो आयुर्वेद के हिसाब से वात दोष रहता है उसमें। तो जो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है वो ये कि आपको किसी भी तरीके का वातज आहार विहार नहीं करना चाहिए। वातज से मेरा मतलब जो भी चीज़ें बॉडी में गैस बनाएं और बॉडी में ब्लोटिंग क्रिएट करें, ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो पानी जो है वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। पानी का कंटेंट बढ़ाना चाहिए। वाटर, स्पेशली कोकोनट वाटर को अपनी बॉडी में रेगुलर बेसिस पे इनकलकेट करना चाहिए, इसका कंटेंट बढ़ा देना चाहिए। अलसी के बीज भी आप इसमें ले सकते हैं। अलसी के बीज में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ अलसी के बीज में ऑयल भी अच्छा रहता है। तो ऑयल कंटेंट से वायु जो दोषा है वो शमन होता है और वो सिस्ट को रिजॉल्व करने में मदद करता है। बीट रूट के अंदर भी ऐसे एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जो कि ओवेरियन सिस्ट को रिजॉल्व करने में मदद करते हैं। ग्रीन टी का सेवन आप टी से रिप्लेस कर दीजिए। रेगुलर बेसिस पर ग्रीन टी पीने से भी आपको बहुत मदद मिलेगी। अब बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। चना दाल, बेसन, राजमा, छोले, कढ़ी, इन सब चीज़ों को अपने रूटीन से हटा देना चाहिए। अगर आपका बहुत खाने का मन है तो 15 दिन में या 10 दिन में एक बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। अचार, खटाई, बासी खाना, स्पेशली फर्मेंटेड फूड जैसे कि पिज्ज़ा या फिर इडली, जिनका बेस बहुत समय पहले बनाकर रख दिया जाता है, ऐसा फर्मेंटेड फूड अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड्स को टोटली अवॉइड करना चाहिए, जैसे नूडल्स, चाउमीन, बर्गर, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, वो भी फर्मेंटेड कंटेंट में आती हैं, उन्हें भी टोटली अवॉइड करना है। मैदा के प्रोडक्ट्स से दूर रहना है। जो भी एक्सेसिव ऑयली फूड है, जो डीप फ्राइड फूड है, उसे अवॉइड करना है, क्योंकि जितना लाइट फूड हम खाएंगे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा और सिस्ट को रिजॉल्व करने में मदद मिलेगी। हैवी फूड्स को रात में सोने के समय पे नहीं लेना चाहिए। तो आपका डिनर जितना लाइट होगा, जैसे कि खिचड़ी, दलिया या फिर वर्मिसली खाया, मूंग दाल का चीला, ऐसे फूड्स को आप डिनर में लीजिए और सोने से पहले करीब 2 घंटे पहले आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली सिस्ट आपकी बॉडी में नहीं बनेंगी। तो प्रिवेंशन सबसे पहला रहता है, तो प्रिवेंशन होगा और अगर सिस्ट हैं तो वो रिजॉल्व होने में मदद मिलेगी। किस कंडीशन में आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे आपके लोअर एरियाज में, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। अगर पीरियड्स में बहुत सिवियर पेन का इशू है तो भी आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। ओवुलेशन के जो डेज हैं, जो पीरियड के 12 डेज से 18 डेज का समय है, उस समय पर कोई बहुत भयंकर पेन होता है तो भी आपको डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अलार्मिंग साइंस हो सकते हैं कि सिस्ट नॉर्मल ना होके थोड़ी डेंजरस हो सकती है। ऐसी किसी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद।